आपका जो लेक्चर है वो ह्यूमन साइटोजेनेटिक्स पे है। ह्यूमन साइटोजेनेटिक्स मीन्स हाउ यू कैन आइडेंटिफाई डिफरेंट डिजीजेज और डिफरेंट एबनॉर्मलिटी थ्रू क्रोमोसोमल स्टडी। तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो बिफोर स्टार्ट लेक्चर देयर आर सम कंटेंट इन योर टुडे लेक्चर। फर्स्ट के इंट्रोडक्शन ऑफ साइटोजेनेटिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय साइटोजेनेटिक्स? देन माइलस्टोन्स ऑफ साइटोजेनेटिक्स। क्रोमोसोम क्या होता है? क्योंकि आप होप के यू ऑल लर्न इट इन योर बीएससी। दैट्स ऑल ऑफ द स्टूडेंट आर आई थिंक ऑफ मास्टर डिग्री। तो आप सब इन चीजों के बारे में जानते हो जो ये कंटेंट में लिखा हुआ है। साइटोजेनेटिक्स क्या है? क्रोमोसोम क्या होता है? सेल साइकिल क्या है? सेल डिविजन्स क्या है? साइटोजेनेटिक्स करते क्यों हैं? दीज आर ऑल कम अंडर टुडे लेक्चर। व्हाट आर दी साइटो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज है? क्योंकि कुछ ऐसी बीमारीज हो जाती हैं, आपने देखा होगा कि जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होती हैं, और दीज आर दी समटाइम अनक्योरेबल। सम थेरेपीज आर कम दैट आर दी क्रोमोसोमल एडिटिंग और दैट, बट नॉट पॉसिबल इन ए स्मॉल वे। तो ये चीजें जो है, इन चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें देखना पड़ता है। और इफ सम हैपन इन अवर सोसाइटी, वी नीड टू एनालाइज द फादर एंड मदर्स जेनेटिक मेकअप आल्सो। तो दीज आर दे ऑल कम अंडर डिफरेंट कैटेगरीज। ओके, देन एंड लेट्स स्टार्ट विद वन बाय वन। व्हाट डू यू मीन बाय साइटोजेनेटिक्स? फर्स्ट वर्ड आता है साइटोजेनेटिक। तो आपको पता होगा साइटोजेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ क्रोमोसोम एंड इट्स एबनॉर्मलिटी ऑल्टरेशन इन द नंबर एंड स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि इन ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इन दिस अर्थ हैज डिफरेंट जेनेटिक मेकअप। मींस जेनेटिक मेकअप इज मेड अप ऑफ फोर न्यूक्लियोटाइड्स बेस, यू ऑल नो दैट इज एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। बट दीज आर दी डिफरेंट मेकअप। जैसे कि 26 अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश से लाखों बुक्स बनी हुई हैं, और आप उन लाखों बुक्स को पढ़ते हो, उसमें आपका जियोलॉजी की बुक्स आते हैं, बॉटनी की, संस्कृत, हिंदी, सॉरी संस्कृत इज नॉट इन इंग्लिश बट सम वर्जन्स ऑफ दैट इज इन इंग्लिश। तो जो भी वर्ड है, ओनली 26 वर्ड देयर, बट देयर इज अ लॉट ऑफ बुक्स रिटन इन दैट 26 वर्ड। तो ऐसे ही जो हमारा ह्यूमन जेनेटिक, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप है, वो सिर्फ फोर न्यूक्लियोटाइड बेस से बना हुआ है, लेकिन मिलियंस ऑफ स्पीशीज है उसमें। वो आइदर फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉरी, और फ्रॉम द हायर दैट इज डॉल्फिन। तो डिफरेंट ये मेकअप जो होता है, इट इज बेस्ड ऑन योर साइटोजेन जेनेटिक मेकअप। तो दीज आर दी सम एबनॉर्मलिटीज जो क्रोमोसोम होती है। क्रोमोसोम इज ए पैकिंग ऑफ डीएनए। तो ये सारा आप इसमें सीखते हैं। साइटोजेनेटिक्स एसेंशियल एज ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स बट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ सेल बायोलॉजी। साइटोजेनेटिक दैट इज कंसर्न विद हाउ द क्रोमोसोम रिलेट्स टू सेल बिहेवियर, पर्टिकुलर टू देयर बिहेवियर ड्यूरिंग मियोसिस एंड मियोस मियोसिस एंड मियोस। दीज आर दी टू सेल डिविजन। यू ऑल नो कि इन दोनों सेल डिविजन में जेनेटिक मेकअप का क्या हो जाता है, कहाँ से कैसा आता है। हम कहते हैं कि आफ्टर बर्थ दिस दिस चिल्ड्रंस फिजिकल अपीयरेंस बिलोंग्स टू हिज प्रो फादर, या इसके दादा से मिलती है, नाना से मिलती है। दीज ऑल आर द जेनेटिक मेकअप दैट वी ड्राइव फ्रॉम अवर एंसेस्टर्स। ठीक है, तो वो क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो आपके फादर या मदर्स में होता है, और वहां से ड्राइव होके हम उसको अपने में अडॉप्ट करते हैं। तो दीज ऑल आर कम अंडर योर दिस। अब दीज आर द माइलस्टोन्स। डिफरेंट साइंटिस्ट इन डिफरेंट एरा और डिफरेंट टाइम्स गो टू एनालाइज और फाइंड आउट द डिफरेंट टर्मिनोलॉजी इन साइटोजेनेटिक्स। फर्स्ट इज अर्नॉल्ड, या नॉल ने करा, देने हेसमैन ने क्रोमोसोम काउंट करे, फिर धीरे धीरे विनवर्ट ने आइसोलेट करा एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम। दीज आर दी सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो दीज आर दी टाइमलाइंस। मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि यू ऑल लर्न इट फ्रॉम ईच एंड एवरी पॉइंट कि कैसे साइटोजेनेटिक्स शुरू हुआ, कहाँ से, और कैसे धीरे 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 उसने कैसे पकड़ा। क्योंकि शुरू में ऐसा नहीं था। सम डिफॉर्मिटीज कमिंग ह्यूमंस एंड वी डू नॉट नो हाउ इट हैपन, व्हाट व्हाट इज गोइंग ऑन। तो दीज आर दी
उसके बाद क्या होता है, व्हाट इज ऑटोसोमल सेक्स क्रोमोसोम, ये सारी डिफरेंट डिफरेंट एराज में डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने साइटोजेनेटिक्स में स्टडी करी. कुछ टाइम ऐसा था कि हम क्या करते थे, आजकल जैसे मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक ने अपने पैर पसार दिए, या जिसको कहें कि एरा ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक है, अगर आप अपना सिंपल टेस्ट कराने के लिए भी जाते हो तो वो कहते हैं कि आप ऐसा करिए कि टेस्ट करिए, पीसीआर कराइए, ये सब. लेकिन सम टाइम ऐसा था कि डिजीजेस डायग्नोस्टिक के लिए भी साइटोजेनेटिक्स करते थे कि कैसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर डिफरेंट ट्यूमर डिजीजेस, या उनके सेल का अरेंजमेंट क्या है. दीज आर कम अंडर ऑल साइटोजेनेटिक्स. ओके, तो दिस इज द व्हाट डू मीन बाय द क्रोमोसोम. क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम क्या है, तो यू नो द क्रोमोसोम इज ए डीएनए, डीएनए मॉलिक्यूल विद पार्ट ऑफ विद पार्ट ऑफ ऑल ऑफ द जेनेटिक मटेरियल्स, मींस जीनोम जिसको कहते हैं ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज. तो इन फ्लो डायग्राम यू कैन सी दिस इज द क्रोमोसोम, दिस पोर्शन इज योर क्रोमोसोम. इसी क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कहाँ होता है, इन बिटवीन द बॉडी सेल्स, आपके बॉडी के हर सेल में क्रोमोसोम है. ठीक है, मींस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ जेनेटिक मटेरियल. तो क्रोमोसोम का जब हम देखते हैं, तो मैंने अभी बात करी है इन तीन बेस पेयर्स की, दैट इज ए टी जी एंड सी. ठीक है, तो व्हाट इज दिस, दीज आर द जेनेटिक मेकअप ऑफ योर बॉडी. लेकिन ये पैक्ड होता है इन बिटवीन क्रोमोसोम. तो एक क्रोमोसोम में कई किस्म का, जैसे आप ये मान के चलिए कि एक आपके पास प्लास्टिक की बाल है और आपने एक धागे को उसी बाल के अंदर फिट कर देना है, तो धागा तो बहुत लंबा होगा, लेकिन आप उसको एक अच्छी सी पैकिंग करके उसको एक बॉल के अंदर फिट कर देते हो. तो दिस इज ऑल अबाउट द क्रोमोसोम. देयर आर द डिफरेंट टाइप पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम, टेलोमियर, सेंट्रोमियर. अब आपने देखा ये वाली लेंथ ली और इसको इलेबोरेट करा, तो देयर आर द कितने उसमें आगे टेलोमियर्स, देन न्यूक्लियोसोम्स, देन न्यूक्लियोसोम को फिर आपने इलेबोरेट करा, तो यू कैन सी देयर इज इन different proteins which binds these strings in, these are called histone protein. और इन histone proteins को आपने इसको फिर elaborate करा बड़ा, तो आपका DNA आ गया, double helical structures of DNA जो आ गया. और DNA के जो base pair letter होती है, it is made up of in this base pair, इसको Chargaff rule कहते हैं. T bind with G with the triple bond and T bind with A double bond. So these are the all makeup of the chromosome. के यहाँ से this is the genetic basic materials of life. ठीक है, और इसको कैसे पैक करते हैं इन इस क्रोमोजोम, और इस क्रोमोजोम हमारी बॉडी में होते हैं. तो दीज आर द स्पीशीज स्पेसिफिक करेक्टर्स, कि अगर ह्यूमन में 23 pairs of chromosome है, तो all human in every parts of the globe have 23 pairs and 46 chromosomes. ठीक है, ऐसे अगर आप किसी दूसरी species को लेते हो, either it is fish or animals, ठीक है, तो आपको क्या होगा, you see there is a specific number of chromosomes. On the basis of that, you can go for species identification. क्या होता है कि मानो कि आपने क्या करा, आपने कोई रिसर्च करी और न्यू स्पीशीज आ गई. आज तो हम क्या करते हैं, बार कोडिंग कर देते हैं, मॉलिक्यूलर कैरेक्टराइजेशन कर देते हैं. लेकिन देयर आर द टू करेक्टर, वन इज मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर, क्या गो फॉर मॉर्फोलॉजी, लर्न कि दिस इज एनिमल, ठीक है, क्या है, कैसे है. तो ये सारा जो होता है, ये आप देख सकते हो कि कैसे उसमें आया. देन समटाइम यू गो फॉर साइटोजेनेटिक, आप उसका क्रोमोसोमल स्टडी करिए. तो अगर कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, उसके बेस पर भी आप स्पीशीज का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. देन टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन वन ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ योर सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर कहाँ बिलोंग करता है, आइदर इट इज इन सेंटर प्लेस, आइदर इट इज इन सब सेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, एसेंट्रिक. तो दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स. ठीक है, ये देख रहे हो, यहाँ आपने सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर पे है, मींस दोनों आर्म इन इक्वल लेंथ है, दिस आर्म एंड दिस आर्म. और ये वाला जो है, दिस इज सैटेलाइट्स पोर्शन, ये डिफरेंट है. एसेंट्रिक मींस नियर टू सेंटर, सब मेटासेंट्रिक थोड़ा और है, मेटासेंट्रिक और
वो है. तो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ दीज क्रोमोसोम. Please do not write anything on the screen. It creates problems in your lecture. Then आता है cell cycles या cell sir, please wait for a minute. I am put hold. Sorry for interruption. So these are the cell cycles. You know, cell cycles. ये cell cycle जो है हर एक cell में चलता. Either it is in vivo condition means in our body or in vitro condition. तो होता क्या है कि ये different different stages हमें जानना बहुत जरूरी है. क्यों? क्योंकि अगर हमें नहीं पता होगा तो you cannot do your cytogenetics. Means आप chromosome की study नहीं कर सकते. Because you have to know कि in which स्टेज यू हैव टू फिक्स योर सेल. क्यों? क्योंकि क्या करना क्या पड़ता है कि साइटोजेनेटिक एक ऐसा प्रोसेस है कि आपको क्रोमोसोम, क्योंकि आपने पीछे देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, तो कब क्रोमोसोम किस स्टेज में है तभी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो. दीज आर द डिफरेंट इंटरफेस G1 SNG2. इसको हमेशा हमारा ग्रोथ फेज भी कहते हैं कि जब आपका सेल ग्रो करता है. देयर आर द टू प्रोसेस थ्री प्रोसेस अकर इन ए सेल. फर्स्ट ग्रो करता है, देन मल्टीप्लाई करता है. जब मल्टीप्लाई करता है फिर वो थोड़ी स्टेज के लिए रुक जाता है, देन ग्रो करता है, फिर मल्टीप्लाई करता है, ग्रो करता है, मल्टीप्लाई. तो दीज आर द साइक्लिक रिएक्शंस अकर इन योर बॉडी और इन ईच एंड एवरी सेल. तो इंटरफेस में सेल बिगेन्स, फर्स्ट सेल शुरू होता है फ्रॉम योर, दिस इज द G1 फेज, सेल ग्रोथ फेज. देन सेल ग्रो होके छोटा सेल होगा, वो बड़ा होगा और एट दैट टाइम सेल स्टार्ट डिफरेंट एक्टिविटीज. ठीक है, देन रेप्लिकेशंस. ओके, डीएनए के रेप्लिकेशन होगा, जो ट्रांसलोकेशन ट्रांसक्रिप्शन ऑल प्रोसेस. तो ठीक है, देन इट रीच ऑन G2. ठीक है, दैट इज मियासिस, मींस सेल का डिवाइड होगा एंड डिवीजन होके फिर देन गो टू फॉर अगेन इंटरफेस आर G1 और समटाइम G0 फेज भी होता है. नो सेल डिवीजन, क्रिसेंट स्टेज में चला जाता है सेल. तो दीज आर द सेल साइकल्स अकर्ड इन आवर बॉडी. तो वी नीड टू नो दिस, देन वी हैव टू डू साइटोजेनेटिक्स और कैरियोटाइपिंग्स, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि सेल किस स्टेज पे है. तो उस ग्रोथ स्टेज में हम सेल को उसकी ग्रोथ स्टॉप करवा के उसका साइटोजेनेटिक्स कर सकते हैं. This is the again a cycles of on the basis of your chromosome. You can see the first G2 phase hai. G2 phase is your sister chromatin phase hai. Someone is sketching this. Please remove this. किसी ने ये लोगो बना दिया है, ये आप ही को क्रिएट कर रहा है. प्लीज इसको रिमूव करिए. ठीक है, दीज आर दी डिफरेंट. आप इसमें देख रहे हो कि कैसे कैसे सेल जो है वो साइटोकाइन्स, साइटोकाइनेसिस. देयर आर द टू प्रोसेस हैव अकर्ड इन योर सेल. फर्स्ट इज साइटोकाइनेसिस फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ सेल्स, एक सेल के दो बनते हैं. देन कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियर डिवीजन, और जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन. तो आपने देखा साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, एक सेल से दो सेल बने. कहाँ? कैरियो, यूर इन साइटोजेनेटिक्स. सेम सेल दो हैं, पेरेंट सेल के टू डॉटर सेल विद आइडेंटिकल जेनेटिक क्रोमोसोम. देन क्या होता है? टिलोफेस, एनाफेस, मेटाफेस, प्रोफेस, मेटाफेस. दीज आर दी ऑल प्रोसेस. स्पिंडल फॉर्मेशन होती है, फिर डिफरेंट डिफरेंट. तो ये एंड जो होता है वो साइटोकाइनेसिस होता है, शुरू होता है आपका G1 से. दीज आर दी डिफरेंट कैटेगरीज. आपने देखा कैसे एक ही सेल खींच खींच के उसके स्पिंडल के हिसाब से टू सेल फॉर्मेशन हो जाता है. तो दीज आर दी
elaborate structures of your cell cycles. Then और डिटेल में अगर हम जाएं तो फर्स्ट इज योर इंटरफेस क्रोमोसोम विद सेंट्रिक पेयर्स, देख रहे हो आप क्रोमोसोम बिल्कुल उसमें है. देन धीरे धीरे ये क्रोमोसोम जो है प्रोफेस मेटाफेस बन एनाफेस बन के हिसाब से ये क्रोमोसोम की स्पिंडल जो होती है ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जाती रहती है. मींस सेल का मेन काम इस टाइम क्या चल रहा, देयर इज अ सेल साइकिल प्रोसेस हैपन, और सेल का काम है कि साइक्लिक प्रोसेस से फ्रॉम वन सेल इट फॉर्म टू सेल. क्रोमोसोम डुप्लीकेशन जिसको कहते हैं वो होगा कि क्रोमोसोम भी डुप्लीकेट होंगे और सेम सेल में सेम जेनेटिक मेकअप जाएगा. ठीक है, सेम सेल में सेम जेनेटिक मेकअप वो बनेगा. तो दीज आर द डिफरेंट फेसेस ऑफ क्रोमोसोम और वी नीड मेटाफेस फॉर क्रोमोसोम, क्योंकि मेटाफेस पे क्रोमोसोम जो होता है वो टोटली विजिबल होता है, हमें दिखता है कि क्रोमोसोम कैसे स्पिंडल फॉर्मेशन होता है. ठीक है, देन देयर इज अ टेलोफेस प्रोफेस मेटाफेस सेकंड एनाफेस एंड टेलोमेरेस आर साइटोकाइंस. तो दीज आर द, पीछे मैंने आपको वैसे बताया था, यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट सेल से कैसे कैसे इन वन सेल ऐसे ही ये सेल कितने भी सेल आगे बना लेगा सेल साइकिल से, बट जेनेटिक मेन बेसिक जो है आपका वो जो क्रोमोसोम में आपके डीएनए है वो सिंपल रहे सेम रहेगा. So these are the different categories of, or the stages of cell cycles. Then are the indications. Please remove this. Up. डिफरेंट इंडिकेशंस जो हमें पता चलता है कि कैसे करके फॉर साइटोजेनेटिक एनालिसिस, कि कोई भी साइटोजेनेटिक्स एनालिसिस जो है उसके लिए हमें क्या क्या इंडिकेशंस होनी चाहिए कि हम कैसे करते हैं. तो जैसे आपका प्रीनेटल बर्थ होती है बिफोर 35, इन दिस डे इट इज ए कॉमन टू मैरी आफ्टर 30, बट इट क्रिएट्स प्रॉब्लम इन सम लाइक क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज एंड ऑल दैट. तो ये सारा प्रोसेस जो होता है, या फिर कंफर्मेशन ऑफ एक्सोजन डायग्नोसिस, क्रोमोसोमल सिंड्रोम्स जो होते हैं कुछ बच्चों में कुछ सिंड्रोम्स आ जाते हैं जब हमें पता चलता है कि दिस सिंड्रोम्स, तो उसके लिए हम साइटोजेनेटिक्स में जा सकते हैं, उसके मम्मी पापा का वो कर सकते हैं. अनएक्सप्लोर साइकोमोटर रिटार्डेशन विद कुछ साइकोमोट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों को, दिमाग की प्रॉब्लम जिसको कह सकते हैं, एबनॉर्मलिटीज इन सेक्सुअल डिफरेंसेस, कई बार सेक्सुअल उसमें एबनॉर्मलिटीज हो जाती हैं कि डिफरेंट सेक्सुअल प्रॉब्लम्स सेक्सुअल डिफरेंसेशंस सम बॉयज प्रॉब्लम्स ऑल दैट. ओके, देन रिक्रूटमेंट मिसकैरेजेस रिकरेंट मींस रिपीटली, कई बार क्या होता है कि प्री मैच्योर यंग वन जो है वो अबॉर्ट हो जाता है. तो दीज आर द समटाइम बॉडी अलिक्ट ऑल दीज स्टिल बर्थ और सपोटानियस एब्जॉर्प्शंस, ये सारे प्रोसेस जो चलते हैं इनके ऐसा होने पर भी आपको कई बार साइटोजेनेटिक करना. फीमेल विद पॉपुलेशन शॉर्ट स्टेटस एंड प्राइमरी एमेनोरिया, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन पर्सन विद क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन डिलीशन डुप्लीकेशन, दीज ऑल आर हैपन, प्रेगनेंसी एट रिस्क, ये डिफरेंट. तो दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स आर डिफरेंट इंडिकेशंस वी नीड टू एट द टाइम ऑफ साइटो जेनेटिक्स. अब आता है अप्रोच ऑफ डायग्नोस्टिक ऑफ साइटोजेनेटिक डिसऑर्डर्स. अगर साइटोजेनेटिक डिसऑर्डर किसी में हो गया आपने देख लिया कि तो क्या क्या देयर आर द डिफरेंट टेक्निक्स आर डिफरेंट टर्म्स यूज फॉर साइटोजेनेटिक. फर्स्ट इज कैरियोटाइपिंग, मीन्स क्रोमोसोम कैसे कैसे होता है, इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन है, फ्लोरिसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, स्पेक्ट्रल कैरियोटाइपिंग, कंपैरेटिव जीनोम हाइब्रिडाइजेशन. तो हाइब्रिडाइजेशन इज ऑल्सो द टाइप ऑफ सेल कल्चर्स आर सेल, मतलब आप ये मान सकते हो गए मीन्स सेल को अलग तरीके से ग्रो कराना विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सम जेनेटिक्स और टेक्नोलॉजी. तो हम उसको हाइब्रिडाइज कराते हैं, उसको इंक्यूबेट कराते हैं, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं. तो दीज आर ऑल हैपन ड्यूरिंग दीज आर. तो फर्स्ट वी कवर द कैरियोटाइपिंग. व्हाट इज कैरियोटाइपिंग? तो कैरियोटाइपिंग इज ए सिंपल ए पिक्चर ऑफ पर्सन्स क्रोमोसोम. We talk about that there are the 26 chromosome in our body are autosomes and one pair of chromosome that is known sex chromosome. So you know that there is a difference in chromosomes. Okay, different chromosome have different set of makeup and different characters and different genes in each and every chromosome. Okay, so it's then most of often it is done using the chromosome in the white blood cells.
आप जितने भी white blood cell से a picture of chromosome taken from microscope and then you go for microscopy. So this is the karyotyping, या karyotyping एक ऐसा process होता है जिसके बेस पे है हमारे अंदर अगर 46 क्रोमोसोम है तो हमारे पास 46 क्रोमोसोम की पिक्चर आ जाए. ओके, स्टैंडर्ड डिस्प्ले ऑफ स्टेन्स एंड फोटोग्राफ क्रोमोसोम इज मेटाफेस स्प्रेड्स. आपको मेटाफेस स्प्रेड पे ही क्रोमोसोम को लेना पड़ता है. क्यों? क्योंकि ऑन दिस स्टेट यू कैन विजुलाइज द क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ दिस शेप एंड साइज. कि क्रोमेटाफेस पे आपको ये पता चल सकता है कि क्रोमोसोम जो है वो किस शेप में है, किस शक्ल में है और कैसा है. अरेंज इन पेयर्स इन ऑर्डर टू डिक्रीज लेंथ. और तब हम क्या कर सकते हैं कि पेयर के हिसाब से क्रोमोसोम को वो करते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये क्रोमोसोम जो है कितने क्रोमोसोम इसमें सेम है और कितने डिफरेंट है. दिस इज द टेक्निक ऑफ क्रोमोसोम. इसमें आप देख सकते हो कि ये ह्यूमन का क्रोमोसोम का एक वो स्ट्रक्चर है. दिस इज क्रोमोसोम 1. आप देख सकते हो दोनों क्रोमोसोम हैव इक्वल लेंथ विद सेम शेप. ठीक है, ऑलमोस्ट सेम मेकअप होगा इनका. और दीज आर दीज योर सेक्स क्रोमोसोम, टोटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. ओके, एक्स इज फॉर फीमेल एंड वाई इज फॉर मेल. तो आप देख रहे हो कि ये फीमेल वाला जो है ये लंबा है एज कंपेयर टू योर मेल वाला. ठीक है, समझ आया? तो ये अब जैसे 21 है बोथ सेम, तो दिस इज कॉल्ड द कैरियोटाइपिंग. आपको कितने क्रोमोसोम एक जैसे मिलते हैं उनको जोड़ जोड़ के रखना है और कौन से डिफरेंट है तभी तो आपको पता. तो अभी हमने पढ़ा कि 22 जो है वो होमो ऑटोसोम सेम पेयर्स में बट टू आर डिफरेंट. तो ये दोनों क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है, जिसमें ये पाया गया फीमेल, जिसमें ये पाया गया मेल. तो और कई बार हम क्या करते हैं, जैसे आपने स्पेक्ट्रल का पढ़ा होगा, कलर्स यूज करते हैं. ठीक है, डिफरेंट प्रूफ्स यूज करते हैं ड्यूरिंग आइसोलेशन. तो आपको ऐसे क्रोमोसोम मिलेंगे वाई इन एक्स इन दैट शेप, वाई इन दैट. ये देख रहे हो आप कि डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के साथ आपने स्टैंड कर लिए. तो आपको कैरियोटाइपिंग करने में होता क्या है कि जब आप कैरियोटाइपिंग करते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको 46 ही पेयर क्रोमोसोम मिले आपको, लेकिन आपको वहां से काट काट के कैरियोटाइपिंग करके उसको एक साथ जोड़ना पड़ता है कि कौन सा क्रोमोसोम कैसा है क्या है. तो इन ईच एंड एवरी क्रोमोसोम सेम जेनेटिक मेकअप. आप 26 को ले लो, सॉरी 22 को ले लो या 21 को, इट इज डराइव्ड फ्रॉम सेम पेरेंट. तो दिस इज द मैप ऑफ कैरियोटाइपिंग. आप बता कि आपको कैरियोटाइपिंग करनी कैसे है, कैसे करोगे आप कैरियोटाइपिंग? या तो आप सीधा, आपको क्योंकि बॉडी के किसी सेल में ये तो पता नहीं होगा कि ये सेल जो है इस टाइम मेटाफेज फेज पे है और हम इस सेल को ले लेते हैं. होप्सो कि सेल रीच इन G0 फेज. तो इफ इट इज इन G0 फेज यू कैन नॉट आइसोलेट क्रोमोसोम. तो आपको करना क्या था, जैसे लाइव एनिमल्स में करते हैं, जैसे जूलॉजी के स्टूडेंट होते हैं, फिश में हम करते हैं. तो मोस्टली हम क्या करते हैं कि फिश को लाते हैं, फिश को पानी में रखते हैं और कोल्चिसिन एक केमिकल्स होता है उसका इंजेक्शन देते हैं. तो वो क्या करता है, वो अपने आप मेटाफेज स्टेज पे है, उसके सेल को उसकी डिवीजन को रोक देता है. तो देन यू कैन सैक्रिफाइस दिस एनिमल्स. आपको उसको किल करिए और उसका लीवर का टिश्यू निकालिए, उसको होमोजेनाइज कीजिए, गो थ्रू ऑल प्रोसेस जो प्रोटोकॉल प्रोवाइड होता है, देन सेंट्रीफ्यूज करिए और आप उसकी कैरियोटाइपिंग कर सकते हैं. बट इट इज नॉट एप्लीकेबल इन ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन को आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसे मारोगे फिर कोल्चिसिन दोगे. इट इज एथिकल इशू और वो लाइफ का सवाल है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि डिफरेंट सैंपल्स या ब्लड सैंपल हो गया आपका या फिर कोई भी सैंपल्स आपकी बॉडी से लेके, उसको हम क्या करते हैं, उसको कल्चर करते हैं हम. जैसे कल्चर करा हमने, कल्चर करने के थ्रू क्या होगा, उस सेल में एक सेल साइकिल शुरू हो जाएगा. तो दीज आर द डिफरेंट टिश्यूज, जैसे प्रीनेटल, एमेंटिक फ्लोड, क्रोनिक विलाइज, ये डिफरेंट हो सकते हैं. पोस्ट नेटल पेरिफेरल टिश्यू ले सकते हो, स्किन फाइब्रोब्लास्ट ले सकते हो, बोन मैरो ले सकते हो, लिम्फ नोड, सॉलिड ट्यूमर्स. दीज आर दी ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल यू टेक फॉर योर एक्सपेरिमेंट. ठीक है, कितना कितना साइज लेना है, 4 ml, 10 ml, 20 ml, इट डिपेंड ऑन प्रोटोकॉल यू यूज. ओके, देन कल्चर करना है, क्योंकि आपने अब मान लो कि आपके पास क्या आया, आपने ब्लड ले लिया किसी सैंपल
से जिसको आपने कैरियोटाइपिंग करनी है, तो यू कैन कल्चर दिस ब्लड, आपको उसको ब्लड को कल्चरिंग करनी है जैसे हम सेल कल्चर या टिश्यू कल्चर करते हैं, ठीक है। कल्चर के लिए डिफरेंट मीडियाज बनाए जाते हैं जिसमें उसको कल्चर किया जाता है। प्रेजेंटिव फ्री सोडियम हेपरिंग्स या मेटेटिक स्टिमुलेटर्स यूज करते हैं, एंटीबायोटिक पेंसिलिन, ओके। अब क्या होता है, दो किस्म की इसमें कल्चर होता है, फर्स्ट इज शॉर्ट कल्चर, सेकंड इज लॉन्ग कल्चर। लॉन्ग कल्चर, शॉर्ट कल्चर इन फ्लूड मीडिया, आइदर इट इज योर बोन मैरो, आइदर ब्लड और क्रोनिक लाइज, ठीक है, जो जल्दी विद इन डेज क्या हो जाए, कल्चर हो जाए, मतलब एक सेल से दूसरा। कल्चर इज द प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन, तो आप उसमें कल्चर कर लिया। देन आता है लॉन्ग टर्म, जैसे स्किन या टिश्यू के सेल होते हैं, इट टेक 1-3 वीक्स, ओके। तो आपको 2 या 3 वीक्स में क्या हो जाएगा, उसका वो मिल जाएगा। देन यू नीड टू नो दैट जैसे आपका सेल कल्चर हो गया, अब यू गो फॉर नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप इज अरेस्ट ऑफ सेल डिवीजन। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने ये पढ़ा है कि देयर इज अ सेल साइकिल हैपेंस इन सेल, एंड इन डिफरेंट सेल साइकिल डिफरेंट फेस में डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोजोम होता है, ओके। जस्ट रिमेंबर द लास्ट वन डायग्राम, कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोजोम होते हैं और आपको क्रोमोजोम देखने हैं। तो यू कैन नॉट सी इट इन टेलोफेज, यू कैन नॉट सी इट इन एनाफेज, बट यू कैन विजुलाइज इट इट वेरी वेल इन योर मेटाफेज स्टेज, ठीक है। तो होता क्या है कि अब आपको सेल डिविजन को रोक देना है सो दैट यू कैन गेट ए गुड इमेज ऑफ योर क्रोमोसोम। तो उसके लिए केमिकल आता है, दैट इज कॉल्ड कोल्चिसिंस। हम क्या करते हैं, ये एक केमिकल मात्र ऐसा केमिकल है जो सेल डिवीजन को रोक देता है ऑन मेटाफेज स्टेज, ओके। तो ये केमिकल्स आपको क्या करना है कि जो आपका कल्चर मीडिया बना हुआ है, यू ऐड कोल्चिसिन ऑन दैट मीडिया फॉर 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स में क्या हो जाएगा, होप सो सम सेल्स रीच इन मेटाफेज स्टेजेस, दे आर गेट उनकी सेल डिवीजन जो होगी वो स्टॉप हो जाएगी। और जैसे ही सेल डिवीजन स्टॉप हो जाएगी तो आपका तो काम बन गया, बिकॉज यू नीड द वेल डेवलप्ड डायग्राम्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो आपको अच्छी क्रोमोसोम की डायग्राम चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, उसे ले सकते हो। देन नेक्स्ट इज योर सेल हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है, जैसे हार्वेस्टिंग मीन्स गो फॉर योर फील्ड एंड हार्वेस्ट योर क्रॉप, मीन्स अपनी खेतों में जाके अपनी जो फसल है उसे घर लाइए। तो हार्वेस्टिंग इज द process of gathering good cells. Good cells means cells who are in metaphase stage. Okay? तो जो सेल मेटाफेज स्टेजेस में होंगे उन सेल को आपने निकालना है कहाँ से, जो आपका मीडिया बना हुआ है जिसको आपने अरेस्ट करवा दिया। फर्स्ट यू कैन आइसोलेट, देन यू कैन आइसोलेट के बाद आपने उसको कल्चर करा, कल्चर के बाद उसने वो आपने थर्ड स्टेज में स्टॉप करा, देन यू कैन हार्वेस्ट। हार्वेस्ट इज द बेस्ट प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूजन। सेंट्रीफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन, कि ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे हम सेडिमेंटेशन कर सकते हैं। तो जैसे आपका सेल हार्वेस्ट हो गया, आपने उसको इनक्यूबेट कराना हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन जो आपके सेल को, इनक्यूबेशन का मतलब होता है गर्म करना या फिर हीट देना, जिसकी वजह से आपका सेल जो है वो क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, और उसके जो जहां तक आपने उसको पहुंचना है वहां तक पहुंच जाओ। यूजुअली रीच अब, क्योंकि जैसे हम डीएनए आइसोलेट करते हैं तो इंक्यूबेशन से हमें उसका न्यूक्लियस से डीएनए निकालना होता है। राइट नाउ यू नीड सेल्स, तो दीज आर द प्रोसेस। अब क्या होता है, जैसे आपको ये लग गया कि आपका सेल जो है वो क्या हो गया, हार्वेस्ट हो गया, देन सेल फिक्सिंग होता है। आपको ग्लिसरिक एसिड एसिड या कॉर्नी सॉल्यूशन बनाते हैं इसके लिए। दीज आर द डिफरेंट प्रोटोकॉल्स मेड फॉर सेल फिक्सेशन। और सेल फिक्सेशन करने के बाद इस जो आपका से सैंपल बन जाता है, आप इसको कम से कम 1 फीट की अबव हाइट से उस पर फेंकना होता है आपको स्लाइड्स पर। देन स्टैनिंग प्रोसेस, स्टैनिंग मीन्स कलरिंग एजेंट देना है कि आपका जो सेल है वो आपको दिख जाए कि आइदर इट इज इन Which colors, जैसे आपने देखा। देन यू गो फॉर माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस और फोटोग्राफी, कि आपको जो जो दिख रहे हैं, और कैरियोटाइपिंग प्रोडक्शन, क्योंकि कैरियोटाइपिंग इज ए मैनुअल और ऑटोमेटिक बोथ प्रोसेस, देन इंटरप्रिटेशन आपको पता चल जाएगा। तो दीज आर दी डिफरेंट टेक्निक्स, फिक्सेशन, स्टेनिंग, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस एंड फोटोग्राफी करिए। फोटोग्राफी के बाद आपको इसको कैरियोटाइपिंग करिए। कैरियोटाइपिंग इज द प्रोसेस कि आपने क्रोमोसोम वन है तो उसके साथ में वन वाला लाके देखना है, तो ये इंटरप्रिटेट करना है।
This is the different techniques of karyotyping. Now we can see this with the help of this diagram. तो डायग्राम में आप देख रही है, सबसे पहले क्या करा उसने कि ह्यूमन को पंचर करा और उससे एंटी उस सिरिंज से ब्लड ले लिया. देन यू गो फॉर ब्लड इन कल्चर मीडिया. ठीक है, कल्चर करने के बाद आपने ब्लड को कल्चर करा. कल्चर करोगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा. सेकंड प्रोसेस का मीन्स क्यू से कि सेल, एक सेल से बहुत सारे सेल बन जाएंगे. ठीक है, सेल डिविजन हो जाएगी. ऑल साइक्लिक प्रोसेस दैट हैपन इन योर बॉडी, इट विल हैपन इन योर मीडिया. तो ये सारी प्रोसेस जो है आपके मीडिया में होगी, जो आपकी बॉडी में होती थी. ओके, तो देन यू गो गो फॉर कोल्चिसिन ट्रीटमेंट. कोल्चिसिन क्या करेगा, सेल डिवीजन को रोक देगा. दिस इज द थर्ड वन प्रोसेस. ओके, देन कोल्चिसिन के बाद आपने क्या करना है, सेंट्रीफ्यूज करना है. सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आपको हाइपोटेनिक सोल्यूशन डाल के फिर सेंट्रीफ्यूज करना है अप टू दैट पॉइंट कि आपको वाइट सेल मिल जाए. These are the different processes of centrifuge. Okay, white cell. Then you add this white cell in one drop on slides. लेकिन इस drop को डालने का एक process होता है कि वो कम से कम 1 feet की height से आपको slides पे dropper से डालना होता है या pipette से डालना होता है. So that cell got burst. ऊपर से आप फेंकोगे तो जो cell नीचे आएगा वो फट जाए और उसके अंदर का material दिख जाए. दिस इज द प्रोसेस. ओके, कम से कम 1 meter की हाइट से आप इसको ऊपर से ड्रॉप फेंकोगे तब पता चलेगा. देन ड्राई जैसे हो गया और स्टैन. स्टैनिंग जैसे आप सिंपल माइक्रोस्कोपिक स्टैनिंग करते ही है, आइदर इट इज जिंस ऑफ स्टैनिंग, नेगेटिव स्टैन, पॉजिटिव स्टैनिंग, माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा. जैसे स्टैनिंग होगी तो डिफरेंट डिफरेंट सेल गेट डिफरेंट स्पाइन. सम गेट न्यूक्लियर स्टैन, सम गेट cytoplasmic stain, some get a negative stain, some get a positive stain. So on the basis of then you can analyze karyotyping, jisko kehte hain, microscope ke andar dekhiye to you get this types of chromosome. So this is the whole process of your metaphase chromosome ya fir karyotyping jisko hum keh sakte hain ki aap human ke blood se agar karyotyping karna chahte ho. If you can go for animals or animal easily valuable or there is no foundation for the sacrifice of animal, so you can use your to kill that animal so that you need not to culture any media. Okay, aap animal lijiye aur colchicin ka injection dijiye aur all process same honge. So is process se aapka kya ho jayega, aapki karyotyping ho jayegi. Okay, then this is the staining techniques. There are the different G bands techniques. तो इसमें आप देख रहे हो कि सिंबल वन बैंड को उन्होंने स्टेन करा है. द फर्स्ट बैंड मेथड डेवलप्स दैट इज कॉल्ड जी बैंड स्टेनिंग यूजिंग क्विनोक्रिन. क्विनोक्रिन मस्टर्ड्स आर क्विनोक्रिन डाइहाइड्रोक्लोराइड. दीज आर द टू केमिकल्स आर स्टेन यूज्ड फॉर स्टेनिंग योर क्रोमोसोम. तो आपने स्टेन कर लिया तो आपको कलर दिखना शुरू हो जाएगा. आपने इसमें देखा होगा in one bacteria, this is a easy technique. You see that in there, in this, okay? तो G band जिसमें होगा तो आपको उस वाला portion visible हो जाएगा. तो it is easily to for karyotyping. इसमें देखिए, this is called G band techniques. ठीक है, create a fluorescent transfer band on exposed to be UV light. जैसे आप UV light के, जैसे आपने आप देखते हुए DNA isolate करने के बाद हम जब उसको यूवी पे दिखाते हैं तो वो क्या करता है कि फ्लोरेसेंट करता है, मींस इंटरकलेटेड डाई जो उसके बीच में होते. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ जी बैंड्स दैट हैपन कैरीड आउट. देन आता है, दिस इज द जी बैंड्स टेक्निक्स ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए. मैं इस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा. आर वैन ट्रीटेड क्रोमोसोम विद हॉट एल्कलाइन सोल्यूशन. तो दीज आर द बिफोर जिम्सा स्टेनिंग. तो दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स फॉर योर स्टेनिंग. इस डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से आप डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन ऑफ योर क्रोमोसोम यू कैन स्टैन. ओके, देन सी स्टैनिंग है. सेलेक्टिवली स्टैन सी को यूज करते हैं. सी स्टैन से आप सी वाला पोर्शन स्टैन करोगे और वही पोर्शन आपको विजुलाइज होगा जिसकी वजह से आप कैरियोटाइपिंग करने में आपकी मदद हो जाएगी. न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन रीजन को भी कई बार स्टैन करते हैं. देन दिस इज द मशीन या माइक्रोस्कोप. And this is your computer or system used for karyotyping.
तो इसमें बोथ हो सकते हैं, आइदर इट इज इन ऑटोमेटिक और इन मैनुअल भी। ठीक है, आपका जो भी सैंपल आया है, जो आपने माइक्रोस्कोप स्लाइड्स बनी है, उस स्लाइड्स को आप इस माइक्रोस्कोप में देखिए एंड यू कैन विजुलाइज इट इन योर सिस्टम। तो इस सिस्टम में या तो फिर आपको मैनुअल करना पड़ेगा या कोई सॉफ्टवेयर से भी आप इसका वो कर सकते हो, इट डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट्स। देन द सक्सेसफुल साइटोजेनिक एनालिसिस डिपेंड अपॉन, अब होता क्या है कि देयर आर द टू एक्सपेरिमेंट करा, माना कि आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट करा, उस एक्सपेरिमेंट को करने के अच्छा एक्सपेरिमेंट कैसा हो सकता है और एक्सपेरिमेंट में लूप कैसा हो सकता है। तो देयर इज द सम कि आपको सक्सेस साइटोजेनेटिक्स करनी है, मींस सक्सेसफुली क्रोमोसोम स्टडी करनी है, तो यू हैव टू नो सेल मस्ट बी एडिक्वेट नंबर, दैट्स व्हाई वी गो फॉर सेल कल्चर। ओके, इसीलिए हमने सेल कल्चर करा, नहीं तो जो ब्लड हमने किसी इंसान की शरीर से निकाला तो दिस ब्लड हैज आल्सो सम सेल्स, लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमने उसको हार्वेस्ट कराया, खूब सारा बनाया ताकि हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो सक्सेसफुल आ जाए। एनालिसिस मस्ट बी परफॉर्म टू विजुलाइज सेल इन डिवीजन, और सेल डिवीजन का आपको पता होना चाहिए कि सेल जो है आपका मियोटिक मेटाफेज का ही है, किस सेल डिवीजन चल रही है। सेल डिवीजन के लिए आपका मीडिया अच्छा होना चाहिए, इफ देयर इज मतलब अगर आपके न्यूट्रिएंट्स जो है मीडिया में वो प्रॉपर नहीं है, वो न्यूट्रिएंट्स जो आपको बॉडी में मिलते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, डिवीजन रुक जाएगा और आपकी सेल जो है वो प्रॉपर शेप नहीं लेगा। क्रोमोसोम मस्ट बी सेपरेट फ्रॉम वन अनदर, तो सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम इज हैपनिंग इफ सेल डिवीजन इज इन प्रॉपर वे। ओके, अगर सेल डिवीजन अच्छे से हो रही है देन यू कैन हियर दैट सेपरेशन, क्रोमोसोम अलग हो गया, क्रोमोसोम आइडेंटिकल कैरेक्टराइज, नॉर्मल एबनॉर्मल, ये सारी प्रोसेस जो होती है ये अच्छे से तभी सक्सेस हो सकती है जब आपका साइटोजेनेटिक एनालिसिस अच्छी हो। अरेंजमेंट अकर इन द लेंथ एंड डिक्रीज ऑर्डर, अब अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम, इफ क्रोमोसोम वन इट इज लार्जर देन टू इज स्मॉलर देन वन, इन दिस कैटेगरी यू कैन अरेंज द क्रोमोसोम। ओके, दिस यू कैन सी हियर क्या हो रहा है, क्रोमोसोम वन इज बिगर देन टू एंड टू इज बिगर देन थ्री, जो अभी मैंने बात कही है, और ये जो 21 और 22 वाले हैं ये सबसे छोटे हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स ऑब्जर्व करके आप क्या कर सकते हो, इसको कैरियोटाइपिंग कर सकते हो, तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बना सकते हो, किस ग्रुप में कितना है, ए ग्रुप हो गया आपका जिसमें 3 क्रोमोसोम थे जो ये काम करते हैं, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप, ई ग्रुप, एफ ग्रुप और जी ग्रुप। तो ये आपकी एक वो है कि कैटागिरी कैसे करनी, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ कि क्लास में इफ देयर इज ए मोर देन 300 स्टूडेंट इन वन क्लास, व्हाट कैन यू डू, यू मेक सेक्शंस। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको 300 स्टूडेंट को एक साथ कैटागराइज करना या एनालाइज करना इज ए टफ जॉब, तो यू कैन गो फॉर सेक्शंस, तो यू कैन मेक 4 सेक्शन 5 सेक्शंस टू इजी असेस ईच एंड एवरी स्टूडेंट। ठीक, तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, इनको कर सकते हैं। अब क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, जैसे ग्रुप वन हो गया 1 से 3 क्रोमोसोम, लार्ज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, रेडली डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच अदर बाय साइज एंड सेंट्रोमेर पोजीशन, तो आपने जो कैटेगराइजेशन ऑफ योर क्रोमोसोम आफ्टर कैरियोटाइपिंग, यू हैव टेक सम करेक्टर्स, आपने किसी करेक्टर के बेस पे करा, ऐसे नहीं है कि ग्रुप वन में जिसको मर्जी उसको डाल दिया, ग्रुप टू जिसको, नो, देयर इज ए ग्रुप टू mean 4 and 5 chromosome, large submetacentric chromosome, or ni large metasymmetric, you see there, submetacentric means below, above the metacentric, so sirf large jin mein tha, unhi ko aapne 4 and 5 mein rakha, then you have to go for 6 se 12 ya X chromosome, medium size metacentric, so on the basis of metacentric, means centromeres kahan lies karta hai, usi ke hisab se aapne grouping kar di different. अब क्या होगा, आपको पता होगा कि ग्रुप ई में जो है, ग्रुप ई में आपके, दिस इज योर ग्रुप ई, तो ग्रुप ई में आपका कौन सा क्रोमोसोम है, क्यों, क्योंकि आपने कुछ करेक्टर लिए हैं कि रिलेटिविटी शॉर्ट मेटा सेंटर होगा, द सब मेटा सेंट्रिक क्रोमोसोम। अब जैसे क्रोमोसोम 20 and 19 मींस योर ग्रुप इज ग्रुप एफ, शॉर्ट मेटा सेंट्रिक क्रोमोसोम। तो दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स यूज्ड for analysis or interpretation of data. आपका experiment हो गया, लेकिन most important is interpretation. Interpretation कैसा है,
आपका, तो ये सारा प्रोसेस जो होता है दिस इज कॉल्ड क्रोमोसोम कैरियोटाइपिंग। ओके, अब आता है वन मोर थिंग दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम फॉर ह्यूमन जेनेटिक नॉमिनिक्लेचर। ह्यूमन जेनेटिक ISCN होते हैं, इस टर्म्स को आपको याद होना चाहिए क्योंकि कहीं भी ऑब्जेक्टिव या किसी में पूछी जा सकती है। तो ये होता है कि सेंट्रोमेयर्स के डिवीजन के बेस पे या आर्म लेंथ के बेस पे हम कैरियोटाइपिंग करते हैं, दिस इज कॉल्ड योर ISCN। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम में आपने देखा होगा दिस आर्म इज नोन एज पी आर्म, क्यू आर्म। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन सी देयर इज अ डिफरेंट एडजस्टमेंट ऑफ योर क्रोमोसोम्स। ठीक है, सेंट्रोमियर्स की आर्म कैसी है, शॉर्ट है, सब मेटासेंट्रिक है, बैंड कौन सा है। तो दिस इज द एजेंसी दैट टेक केयर ऑफ ऑल दिस अबाउट द क्रोमोसोम कैरियोटाइपिंग। ठीक है, इसमें आप देख रहे हो ISCN ने क्या करा है कि क्रोमोसोम 11 को लिया है। तो यू सी देयर आर द मिलियंस ऑफ बेस पेयर्स ऑन वन क्रोमोसोम। ओके, आप देख रहे हो कि इस क्रोमोसोम में कितने ज्यादा बेस पेयर्स या कितनी ज्यादा छोटे से छोटे जो बैंड्स हैं। तो दिस वन बैंड्स मींस वन लोकस मींस लॉट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल्स एंड डिफरेंट करेक्टर्स। एक लोकस के वजह से पूरे क्रोमोसोम का बॉडी का स्ट्रेस जो होता है चेंज होता है। So this is the ICN that on the basis of the different band techniques, ICN can categorize different chromosomes कि किस क्रोमोसोम में कितना है। अब जस्ट examples के लिए होप सो यू कैन सी ऑल दिस, यू कैन सी दिस इज द क्रोमोसोम 12 एंड देयर आर दी 134 billions base pairs in chromosome 11। तो आप देख रहे हो कि इसमें छोटे छोटे से लिखा हुआ है कि किस चीज के लिए क्रोमोसोम 11 के जो बेस पेयर हैं रिस्पांसिबल, आइदर इट इज कैंसर, आइदर इट इज इंसान। तो दीज आर द डिफरेंट लोकस ऑन योर क्रोमोसोम व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर डिफरेंट डिजीजेस। इफ देयर इज ए रीअरेंजमेंट और एबनॉर्मलिटीज और म्यूटेशन, तो यही क्रोमोसोम के मिसमैच की वजह से डिफरेंट डिफरेंट जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। ठीक है, देन दिस इज द क्रोमोसोम 9 फॉर enlargement, it contained 1.30 billion base pairs on that chromosome. ठीक है, Rex, तो different different techniques जो होती है, different different bands जो different different loci जो हैं, वो different different उस genes के base पे ये chromosome का वो कर सकते हैं, okay? Then what is in situ hybridizations? This is the something different than the karyotypings. Or I think this is not in your syllabus, but we have seen go through it that in situ hybridization means hybridization refer to the winding or annealing of complementary DNA or RNA sequencing. So means aapka DNA or RNA ke complementary sequences ko banane ke liye kehte hain. Main purpose is iska hota hai ki nucleic acid sequence on chromosome jo hai usko hum detect karein. We use radioisotopes, different डिटेक्टर्स सीक्वेंसेस को करते हैं और ऑटोग्राफी से हम इसको पता कर सकते हैं कि कैसी कैसे पेयर्स हैं। तो इफ इन योर क्रोमोसोम, अगर आपके क्रोमोसोम में जैसे एग्जांपल के लिए ले लो ये वाला पोर्शन जो है, इसके अगर क्रोमोसोम पर आपने अलग से कलर कर दिया तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस क्रोमोसोम में जा रहे हैं। तो दिस इज हैपन इन सिटु हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स, different different chromosomes, different arrangement, micro deletion, macro deletion, deletion, duplication. तो ये सारी जो होते हैं enzymatical fluorescence से आप use करके आप उसको analyze कर सकते हो कि कैसी कैसी चल रही है। That this is the technique used या protocol used for fluorescence in situ hybridization. First आपको metaphase chromosome को लेना है, denature कराना है, denature means आपका DNA जो होगा वो unwind हो जाएगा, then you use a probe for chromosomal targeting और chromosomal targeting के बाद आपको उसको wash कराना है, then you detect it in your microscopy. तो ये देख रहे हो आपके fluorescence में, ये fluorescence use करी होगी आपने, तो you can add your isotopes here in that portions, okay, in that band of DNA. So this bands happen in this and last mein aapko ye is chromosome pe ek band dikhega. So on the basis of that you can identify or categorize different chromosomes. So this is the fluorescence techniques used.
टाइप्स ऑफ प्रोब्स, डिफरेंट प्रोब्स यूज होते हैं, कौन सा प्रोब्स कहाँ यूज करना है, सेंट्रोमियर्स पे करना है, लोकस स्पेसिफिक पे करना है, या होल क्रोमोसोम को भी आप विजुलाइज कर सकते हो इफ यू यूज सम प्रोब्स विच गेट स्टक्स ऑन द क्रोमोसोम, या किसी क्रोमोसोम को वो पूरे को कवर कर ले या उस क्रोमोसोम को एज ए फ्लोरिसेंस प्रोवाइड करवाए. These are the advantages and disadvantages of fluorescence. Many more cells can be examined at a single time. अभी आपने देखा होगा, there is a karyotyping में जब हम simple stain करते हैं तो आप एक ही cell की अलग अलग means एक की chromosome. But इसमें क्या है कि खूब सारे cell डाल दो, आपने अगर उसके सेंट्रोमियर्स को फ्लोरिसेंट कराया तो आल का जितने भी क्रोमोसोम होंगे उनके सॉरी क्रोमोसोम होंगे उनका सेंट्रोमियर जो है वो फ्लोरिसेंस करेगा. तो आप डिफरेंट कैटेगरीज कर सकते हैं. मेटाफेज आर नॉट एसेंशियल, इसमें कोई मेटाफेज की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव टू टारगेट फॉर योर क्रोमोसोम पार्ट्स नॉट द क्रोमोसोम टाइप्स. ओके, सो एबनॉर्मलिटी कैन बी डिटेक्टेड इन नॉन डिवाइडिंग सेल्स, मीन्स वो सेल जो डिवाइड नहीं होते जैसे ब्रेन सेल वगैरह, उनमें भी कर सकते हो. कैन बी परफॉर्म इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हो सकता है. देन एबनॉर्मलिटी दैट कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय कन्वेंशनल साइटोजेनेटिक एंड कैन बी डिटेक्टेड, वो एबनॉर्मलिटीज जो सिंपल साइटोजेनेटिक्स में नहीं आती फ्लोरिसेंस से आप उसको कर सकते हैं. मिस मेन डिसएडवांटेज ओनली दोज एबनॉर्मलिटी दैट आर स्पेसिफिकली सॉर्ट वेल बी फाउंड हियर एज कन्वेंशनल एनालिसिस परमिट फॉर क्रोमोसोम टू बी एवेल्यूएटेड. आप इसमें एबनॉर्मलिटी लेकिन कन्वेंशनल से हम क्रोमोसोम की इवेल्युएशन कर सकते हैं, एट पर इट इज शॉर्ट लॉन्ग कैसा है ये सारा होता है. अब आता है स्पेशल कैरियोटाइपिंग, सॉरी स्पेक्ट्रल कैरियोटाइपिंग, मींस कलर एंड कलरफुल कैरियोटाइपिंग जिसको हम कह सकते हैं कि 24 कलर और मल्टीपल क्रोमोसोम पेंटिंग ऐसे दैट अलो विजुलाइजेशन ऑफ ऑल ह्यूमन क्रोमोसोम इन वन एक्सपेरिमेंट. आपने अभी तक देखा होगा हमने पार्ट्स को करा, बट दिस इज द टेक्निक इन विच यू कैन मेक कलर्ड डिफरेंट पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, मींस डिफरेंट डिफरेंट पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम को आप डिफरेंट डिफरेंट कलर दे सकते हो. एबिलिटी टू डिटेक्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमोसोमरी अरेंजमेंट, इसका आइडेंटिफाई मार्कर्स क्रोमोसोम, वो क्रोमोसोम जिसको हम कहीं मार्कर की तरह यूज करते हैं आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो. दिस इज द protocol used for spectral karyotyping, chromosome of a single cell, then pepsin treatment dena hai 35 degree pe usko incubate karna hai 5-4 months, then you have to go for fluorescence dyes hybridization techniques and then you can go for karyotyping. So these are the different techniques protocols, but very specific and tedious work to do. कि इस चीज के में आपने ऐसे ऐसे करके ये करना है. This is the amaze come after your SPK. Okay? तो आपने इसमें देखा क्रोमोसोम 1 इज येलो इन कलर एज कंपेयर टू क्रोमोसोम 20 व्हिच इज समथिंग अलग. ये दिस इज द टेक्निक्स. इसमें होता क्या है कि डिफरेंट पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम गेट डिफरेंट कलर्स. ओके, क्रोमोसोम 14 रेड इन कलर्स, तो हमें ये पता चल जाएगा कि डिफरेंट क्रोमोसोम जो है वो डिफरेंट कलर्स लेना. और दिस इज द स्केच फाउंड आफ्टर योर एक्सपेरिमेंट, ऐसे मिलता है आपको. आपको डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम को मिलाना पड़ता है. जैसे फॉर एग्जांपल के लिए दीज आर कम फ्रॉम वन पेयर. अब इसके साथ वाला कहाँ है? इसके साथ वाला यहाँ पे. इसको यहां से काट के वहां चिपकाना पड़ता है, मींस वन पेयर दिस एंड दिस. ये कैरियोटाइपिंग आप इसको या तो आप मैनुअली करिए या सॉफ्टवेयर से करिए. दिस is one pair and this is second pair. ये क्रोमोसोम वन होगा आई थिंक. तो ये जो टेक्निक है, दिस इज टेक्निक अकॉर्ड इन SPK. ओके, देन आता है कंपैरेटिव जीनोमिंग हाइब्रिडाइजेशन. दिस इज समथिंग डिफरेंट, आई एम नॉट गोइंग टू टेल अबाउट दैट, क्योंकि आपके सिर्फ कैरियोटाइपिंग के बारे में ध्यान. इसमें होता क्या है, इसमें हम डिफरेंट टेक्निक्स डिफरेंट डीएनए को टारगेट कर देते हैं और सॉफ्टवेयर से क्रोमोसोम की पोजीशन का पता कर सकते हैं. इट इज ए सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स यूज्ड फॉर हाई रेजोल्यूशन पावर. ओके, यूज हाई डेंसिटी सेंसिटिविटी के लिए यूज होता है. डीएनए एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, डीएनए से हो जाता है क्योंकि डीएनए इज प्रेजेंट इन बिटवीन क्रोमोसोम. तो आप डीएनए को टारगेट कर लीजिए, उसी की वजह से आपको साइटोलॉजिकल एनालिसिस का पता चल जाएगा. अब दीज आर दी
एब्रीवेशन या डिस्क्रिप्शन आर साइटोजन क्रोमोजोम डिस्क्रिप्शन, इसमें आप देख रहे हो कि डिफरेंट डिफरेंट डिस्क्रिप्शन या डिफरेंट डिफरेंट, उसकी वजह से क्रोमोजोम की डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स, जैसे आप ये दे रहे हैं डी आर डेरेवेटिव क्रोमोजोम 22 एक क्रोमोसोम ड्राइव्ड फ्रॉम क्रोमोसोम 20, तो दीज आर दी डिफरेंट एब्रीवेशन यूज्ड ड्यूरिंग योर एनालिसिस। ओके, अब आता है जो सेकंड टर्म, दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज, कि क्रोमोसोम में सम टाइम हैपन दैट क्रोमोसोम देयर इज अ डिफॉर्मिटीज इन क्रोमोसोम, आइदर इट इज ड्यू टू म्यूटेशंस और इट इज ड्यू टू योर एनवायरमेंटल चेंज से भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि क्रोमोसोम में किस कंडीशन से क्रोमोसोम में प्रॉब्लम्स हो रही है। तो इट इज नॉर्मल नंबर न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटीज एंड स्ट्रक्चरल, न्यूमेरिकल्स में मींस नंबर ही कम हो जाता है, 46 की जगह 45 हो गया, 46 की जगह 47 हो गया, ठीक है। स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी, वन पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम गॉट डिलीटेड और वन पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम गॉट added. So these are the different abnormalities in the chromosome. अब आता है numerical abnormality, जैसे haploid, haploid means gamete 23 n is number and diploid is 46 means 2 n जिसको कहते हैं। Euploidy exact multiple of n example 3, triploidy, tetraploids. These are the tetraploids, triploids. These are the different numericals. Aneuploidy indicate a non euploids. Loss or gain of single chromosome example. Monosomy and trisomy. These are the techniques to learn very well. ठीक है, तो ये different different these are the common. Then most common mechanism of aneuploidy is non-disjunctions of chromosome. Means chromosome का कई बार क्या होता है कि non-disjunctions हो जाता है. Non-disjunction means during meiosis when there is a cell division happened. तो in some portion there is a no chromosome. मीन्स क्रोमोसोम का क्या हो जाता है कि सेपरेशन ही नहीं हो पाता। इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि अवर मेन पर्पस इज टू डिवीजन, मींस अगर इसमें ऐसे सेल थे तो सेम सेल कम ऑन इन दिस साइड्स, बट क्या हुआ मिस डिसजंक्शन हो गया, मींस हो ही नहीं पाई ये सेल सेपरेट और ये सिर्फ एक में ही चले गए। तो हुआ क्या कि नॉन सोमिक जायगोट्स, क्योंकि यहाँ क्या हो गया ट्राइसोमी, ओके मोनोसोमिक और ट्राइसोमिक, मींस इसमें क्या हो गया जैसे फर्टिलाइजेशन होगी, अब इसके बाद में ये बना फर्टिलाइजेशन के बाद वन सेल एंटर्ड इन दैट, तो तीन तीन हो जाएंगे, दो फ्रॉम कम फ्रॉम मदर्स एंड वन फ्रॉम फादर। तो दिस इज हैपन इन ट्राइसोमिक, क्यों, क्योंकि क्रोमोसोम ने डुप्लीकेट तो करना है बट इट जो आधा क्रोमोसोम इधर जाना था आधे वाला वो इधर ही हो गया। तो दिस इज कॉल्ड डिसजंक्शन इन क्रोमोसोम, रिजल्ट इन टू गैमेट्स विद पेरेंटल क्रोमोसोम एंड फेल टू सेपरेट एंड टू नल सोमिक गैमेट्स, दीज आर द नल सोमिक गैमेट्स, क्यों, क्योंकि इन गैमेट्स में क्या है फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती या जायगोट नहीं बन सकता, बिकॉज इन बोथ द ओनली मेल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, ठीक है, फीमेल का जो था वो नहीं है, क्यों, क्योंकि इट इज नॉट सेपरेटेड इन दैट। तो मोनोसोमिक गैमेट्स, मोनो मींस वन, सोमिक मींस एक टाइप का गैमेट, जो क्या हो सकता है नॉन फर्टाइल हो सकता है, ओके। देन दिस इज नॉन डिसजंक्शन इन मियोसिस सेकंड, सम टाइम मियोसिस सेकंड में भी नॉन डिसजंक्शंस हैपन हो जाती है। तो जैसे ही मियोसिस सेकंड में अगर नॉन डिसजंक्शन हो तो फिर सेम प्रोसेस होता है, बिकॉज दिस पोर्शन इज योर मियोसिस वन, इतनी इतनी जो डिवीजन होती है ये मियोसिस वन में होती है ना, ये तो नॉर्मल चली, वन लेग तो नॉर्मल चली, लेकिन दूसरी लेग में फिर प्रॉब्लम होगी, वन साइड ट्राइसोमी एंड अदर साइड मोनोसोमी। तो दिस आर द रिजल्ट ऑफ क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज हैपेंड इन बॉडी ड्यू टू सम केमिकल्स और म्यूटाजेंस और एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स। Monosomic fertilization of null somy with normal gametes, trisomic fertilization of gamete retain both parental and maternal or both copy of either maternal or paternal with normal gametes. ठीक है, but these are the examples of monosomy, trisomy and meiosomy. You all see it in each and every books. Structural abnormalities. अब आ जाता है कि structural. These are the genetic number abnormality. Then you have to go for structural abnormality. Translocation. Translocation means mismatch हो जाना. एक जगह से
छूट के दूसरे पे चिपक जाना। तो इसमें दो किस्म का आप देख कर रहे हो, रेसिप्रोकल और ऑटोसोमल। फर्स्ट वाल में रेसिप्रोकल्स में आपने देखा कि व्हाट हैपेंड कि दिस इज डिफरेंट कलर, दिस इज डिफरेंट कलर, बट इसमें आपका रिजल्ट क्या हो गया, इट इज मिक्स ऑफ बोथ कलर। तो दिस पोर्शन इज कम फ्रॉम अनदर क्रोमोसोम एंड दिस पोर्शन इज deleted and reverted in another. So this will happen in some time in translocation process. Yeah, sometime it happened that centric portion got fused and your chromosome is different as their parent chromosome. Okay. अब आता है inversion. Inversion में भी कई बार क्या होता है कि chromosome का कोई portion जो होता है वो inverse होके वो लग जाता है. तो in first one you can see this is the paracentric inversions. तो क्या था कि ये normal chromosome था, but what happened? This chromosome got a rotations. Okay? ये D था, E था, F था. तो आपने देखा F portion is last one portion in that chromosome, but after inversion है, ये reverse हो गया. ठीक है? इसका F वाला portion ऊपर चला गया और तो अगर दिस हैपन इन योर बॉडी इट मींस सम एबनॉर्मलिटीज या सम डिजीजेस, ठीक है, या क्रोमोसोमल डिस होती है. तो अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब क्या कि मिसमैच ऑफ क्रोमोसोम हो गया. अब इसके लिए मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको कि जैसे सी ए टी क्या होता है, कैट होता है, मींस इट इज ए अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट है. और अब आपने क्या करा कि इसको ये रीअरेंज हो गया आपका सी TA means one alphabet जो था वो आपका क्या हो गया, चेंज हो गया. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट वर्ड एंड दैट वर्ड. ओके, इट इज टोटली डिफरेंट. कैट मने बिल्ली होती है, CTA इज समथिंग द फुल फॉर्म ऑफ सम अल्फाबेट. ठीक है, तो क्या हो गया with the arrangement or with the inversion or with the mismatch of one alphabet, whole word pronunciation or whole word structure change, that this is happening in your chromosome and it happen in your chromosome, it means there is a deformities in. So same hota hai, pericentric inversions bhi hota hai, means sub paracentric or pericentric means. इसमें आपने देखा होगा क्रोमोसोम को सेंट्रोमियर के साथ में उसने अपने आप को डाइवर्ट कर लिया. ठीक है, डाइवर्ट कैसे करा, देयर इज ए इन दैट पोर्शन एंड देयर इज ए वी आफ्टर ए, बट देयर इन सेकंड वाले में ई हो गया क्योंकि उसने पूरे क्रोमोसोम को रोटेट कर दिया. और यू नो कि इफ देयर इज ए रोटेशन इन क्रोमोसोम इट मींस देयर इज ए रोटेशन इन जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, डीएनए और आरएनए जो पैक हुआ है वो सारा सेटअप चेंज हो गया. तो सेटअप चेंज हो गया, इफ दिस जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेयर कलर, एग्जाम्पल के लिए अगर ये हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल था डी जीन है, ठीक है, तो डी जीन नीचे था अब ये ऊपर आ गया, तो देयर इज ए डिफॉर्मिटीज और देयर इज ए मैनिपुलेशन इन योर हेयर कलर. तो आपकी हेयर कलर में मैनिपुलेशन हो जा सकती है. इफ दिस जीन इज बी जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फॉर्मेशन ऑफ ईयर पिन्ना, आपके कान की बनावट के लिए, तो इट इज इन दैट पोर्शन एंड दिस इज रिवर्स आफ्टर इन्वर्शन. तो ये क्या हो जाएगा, टोटली डिफॉर्मेटिज हो जाएगा. तो दिस आर दी हैपन इन योर पोर्शन, दिस इज दी डिलीशन, सेम प्रोसेस होती है डिलीशन में, टर्मिनल या इंसर्शनल. तो इसमें होता क्या है कि कोई पोर्शन जो होता है वो डिलीट हो गया, मीन्स कई बार टर्मिनल टेलोमियर पोर्शन डिलीट हो गया, सेकंड वाले में आप देख रहे हो बीच का पोर्शन डिलीट हो गया. तो डिलीट होने का मतलब क्या है कि ये मान के चलिए कि अगर दिस जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच, मीन्स अगर बोलने के लिए ये जीन रिस्पॉन्सिबल था, तो दिस क्रोमोसोम हैव लॉस्ट द एबिलिटी ऑफ स्पीच. तो ये क्रोमोसोम जो है उसने अपने स्पीच की एबिलिटी खो दी. तो दिस इज different example. Micro deletions, sometimes you see that 26G11.3 genes जो था वो telomeres के नीचे था. और इसको अगर elaborate करते हैं हम, तो elaborate करने पे आपको क्या पता चलता है, इसके अंदर इतने genes हैं. और हो सकता है कई बार ये वाला gene जो है बीच से खत्म हो जाए, means delete हो जाए, miss micro deletion जिसको. तो ये बाकी तो process सही चलेगा, या ये वाला red वाला delete हो जाए. This is 1.5 MB का है ये. MB means it is made up of means जैसे आपको देखते होंगे base pairs जो होते हैं ATCG8 से,
तो ये कोई सा भी पोर्शन, ये वाला पोर्शन डिलीट हो सकता है, ये वाला पोर्शन डिलीट हो सकता है, मीन्स इसके अंदर वाला पोर्शन भी, पीछे आपने देखा होगा कि फुल पोर्शन डिलीट हो रहा है, लेकिन वो माइक्रो में भी डिलीट हो सकता है। देन डुप्लीकेशन होती है, sometimes some portions get duplicated in new chromosome, either it is come from same chromosome or different chromosome. So duplication ka matlab ye hai ki if this portion of chromosome belong responsible for some characters, so it happens in double form in that chromosome. Okay, to ye kya hota hai ki double form mein in this chromosome mein hota hai, to usme double character aa sakte hain क्रोमोसोम के। देन इंसर्शंस होता है, समटाइम्स डिफरेंट क्रोमोसोम पोर्शंस गेट इंसर्टेड इन डिफरेंट क्रोमोसोम, यू कैन सी दिस इज आल्सो हैपनिंग इन सम पोर्शंस ऑफ क्रोमोसोम। दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स एंड इट डिपेंड अपॉन द कंडीशंस, फेस सेल, सेल कैसी कंडीशन फेस कर रहा है, तो उसकी बेस पर ये सारा हो सकता है। आइसोक्रोमोसोम, डिफरेंट आइसोक्रोमोसोम्स होते हैं कि कौन सा क्रोमोसोम कहाँ से रिवर्स हो के किस पोर्शन को वो कर जाता है। रिंग क्रोमोसोम, समटाइम्स देयर आर द रिंग क्रोमोसोम, दिस इज द एबनॉर्मलिटीज केसेस। यूनिपैरल डाइसोमी, देन सेंट्रोमियर एबनॉर्मलिटीज क्या क्या हो सकते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो सकते हैं, ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम में हो सकते हैं, these are the abnormalities. Then cancer cytogenetics, sometimes soft tissue tumors, hematological disorders ho sakte hain some. These are the different techniques used for cytogenetics. Ab isme aata hai jaise different syndromes jo hain, chromosomal syndrome jinko kehte hain, jaise down syndromes hai. Down syndrome kisne advent kara tha, it is a trisomy of chromosome 26. And now you can remember what do we mean by trisomy. Trisomy aisa process hota hai jab meiosis mein ek cell ke paas kuch nahi jata aur dusre cell ke paas male ka bhi chala jata, aur kyunki if it is female to female ke two portion of chromosome honge, matlab two pair of chromosome hai na, one pair come from parent, it is trisomy. So this is happened, these are the pictures of trisomy, karyotyping, fishing, or these are the some characters happened in the children born with trisomy. Means apotomia ho sakta hai, cranial different facial problems ho sakti hai inme, eyes, ears, skin, loose folding ho sakti hai, kisi ka kaan daba hua ho sakta hai, eyes ke splashes ho sakti hai. These are the different characters seen in that syndrome. Hand में, hand की जो हाथ की लकीर है आप देख सकते हो इसमें, if you can see in your hand, you see there are the three lines, but in that case there is only one line, एक बड़ी सी लाइन दिख सकती है. तो हो सकता है कि जो क्रोमोजोम इन लाइन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, these are get duplicated or deleted or all that. Okay, so these are the happen in your syndrome. Then feet में wide gap between first and second toes, sometimes you see there is a gap between some toes, so one toe is small, other is big, rocket bottom feet bhi kehte hain isko. To ye different techniques hain. Ab aata hai Edwards syndrome, aise mein dusra syndrome, it is a trisomy of 18 chromosome, ke 18 chromosome jo hai wo duplicate ho jata hai. These are the some means 1 per 6000 baby mein ek baby hota hai, 5% survival rate hai. These are the different techniques used, and this is the trisomy ka wo 18 chromosome ke liye fish kaise use karte hain. These are the journals pictures of a trisomy ya children's, in mein kaise hoti hain, deformities hoti hai, facial deformities aa jati hai, hand deformities aa jati hai, you can see there is a hair on the back. To ye different genes ki wajah se wo responsibility ho jati hai. Then Patau syndromes, trisomy of 31 chromosome. So 31 chromosome jo hai, sorry not 31, it is 13 chromosome. To 13 chromosome mein agar deformities aa jati hai, so you can see this is another syndromes. Okay, this happen in children, there is a deformities in ears, malformations, sometimes you see there is a cut on the upper lips, or hands mein problem ho sakti hai, six finger in spite of four fingers. So these are all happens in that case. Then Turner syndromes hote hain, Turner syndrome also known as 45x syndromes, or x0 syndromes, means
ओनली वन सेक्स वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, कंप्लीट पार्शल मोनोसोमी होती भी कहते हैं इसको। तो दिस आर ये 2000 में वन फीमेल्स में पाया जाता है, दिस इज ए फीमेल सिंड्रोम। तो यू कैन सी द इन एक्स क्रोमोसोम ओनली वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज दिस इज इनकी स्किन में बहुत बड़े बड़े वो फोल्ड आ जाते हैं, डिफरेंट करेक्टर्स जैसे बेव्ड नेक्स जिनको हम कहते हैं। देन आता है क्लिनफिल्टन सिंड्रोम, मीन्स इसको सुपर मेल मेल फीमेल कहा जाता है, इसमें एक्स एक्स वाई सिंड्रोम वो हो जाता है। तो दिस इज हैपन इन यू कैन सी देयर इज ए डिफॉर्मिटीज इन सेक्स क्रोमोसोम, समटाइम्स सम करेक्टर्स हैपन लाइक इन फीमेल दैट इज द ब्रेस्ट एनलार्जमेंट एंड ऑल दैट, ओके। देन आता है पेंटा एक्स सिंड्रोम्स, मींस एक्स क्रोमोसोम इतने डुप्लीकेट हो जाते हैं कि 5x क्रोमोसोम हो जाते हैं। यू कैन सी देयर इज ए डिफॉर्मिटीज इन इट्स फिजिकल अपीयरेंस, ये हैंड का जो है डिफरेंट हो गया है। फर्स्ट फाउंड इन एबनॉर्मली मोस्टली अमेरिकन कंट्रीज में पाए जाते हैं। यू कैन सी देयर इज ए मैटरनल रिटार्डेशन, पेरेंटल ग्रोथ रिटार्डेशन, शॉर्ट स्टेटस, दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर्स एवॉल्व इन दैट सिंड्रोम्स। देन आता है क्राइड्यूचेट सिंड्रोम्स, डिलीशन शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोजोम 5, पी एंड क्यू आर द आर्म्स ऑफ क्रोमोजोम। तो दीज आर द इन दिस केस 5p की जो आर्म है वो डिलीट हो जाती है। तो आर्म डिलीट होने से क्रोमोसोम में डिफॉर्मिटीज आ जाती है, जिससे डिफॉर्मिटीज के बाद से ये सिंड्रोम हो जाता है। दिस इज द पिक्चर्स ऑफ द चिल्ड्रन हु हैव दिस सिंड्रोम्स। देन आता है प्रेच विलियम सिंड्रोम्स, दिस इज सम अदर सिंड्रोम्स दैट हैपेंस इन इन दिस सिंड्रोम मोस्टली द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर गेट इन्फेक्टेड एंड ऑल दैट। एंजेलिमिया सिंड्रोम्स होते हैं, दिस आर द सम मोर सिंड्रोम्स। यू कैन सी द पर्संस लुक लाइक जस्ट डॉग्स, क्योंकि जैसे एक कुत्ते हर टाइम फेशियल इंप्रेशन यूज करता है, उसी किस्म से ये पर्सन जो है वो अपने फेशियल इंप्रेशन यूज करता है। तो दिस इज ऑल हैपन इन क्रोमोसोम एंड एबनॉर्मलिटी। अब क्लिनिकल एप्लीकेशंस ऑफ साइटोजेनेटिक हेमेटोलॉजी डिसऑर्डर्स, कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस दैट इज क्रोनिक माइलोजेनेसिस लिकोमिया, मींस ब्लड के जितने भी डिजीजेज होते हैं यू कैन identify by cytogenetics. If there is a abnormality in chromosome, it means there is a problem in your blood. Confirmation of blast crisis, okay, diagnosis of acute leukemia, diagnosis of lymphoproliferative disorder, diagnosis of तो ये सारे जो आप वो कर सकते हो, these are the different diagrams of different diseases. इन डिफरेंट डिफरेंस को आप जो होते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज को कैसे डिफरेंट जीन्स के हिसाब से साइटोजेनेटिक से आप इनको वो कर सकते हैं। दिस इज सम दिस आर द सम डिफरेंट एडिशनल म्यूटाजेंस दैट हेल्प इन फॉर्मेशंस ऑफ एनी डिफॉर्मिटीज इन क्रोमोसोम, ओके। दिस आर द एक्यूट मेल leukemia subunits, different abnormalities कैसे होती है। तो ये this is all about your soft tissues and tumors में कैसे होता है, understand the soft tissue tumor biology, means आपको tissue में biology तो tissue की biology, tumor हो जाता है तो tumor होने से क्या होता है, cell में necrosis होती है, cell necrosis हो जाएगा तो cell division में problem पड़ेगी। If there is a problem in cell division तो it means chromosome disrupt होंगे आपके या disturb होंगे। If chromosome got disrupt or disengaged, it means there's an abnormality in chromosome. So these all are, you can see from this. These are the different techniques used for chromosome rearrangement. Okay? Yeah, आप देख रहे हो कि different कैसे वो था। So this is all about the karyotyping. These are the some book recommended for studying cytogenetics. Okay? So thank you. This is all about the